इंसानों के लिए जिन्नात से बातें करना और उनसे अपनी खिदमत करवाना क्या मुमकिन है? क्योंकि कुछ लोगों का दावा है कि उन्होंने जिन्नात को बतौर खादिम रखा हुआ है। हमारे फील्ड में कुछ लोग हैं जो तावीज़ों के जरिए काम करते हैं, कुछ लोग हैं जो जादू के जरिए काम करते हैं, और उनका ये कहना होता है कि जादू को जादू से ही काटा जा सकता है। हालांकि हदीस में मना है जादू से जादू का इलाज करना, इसलिए एतबार से गलत है, आपने इसे कुफ्र कहा जी। कुछ लोग हैं जो जिन्नात के जरिए काम करते हैं, किसके पास वकीलात है वो वकीलात के जरिए काम करता है। आपको कोई उस बंदे को कोई मरीज काम करता है तो उसे पूछता है जिस वक्त आप शहर के किस चौक में है बताए ना, कि अभी अपने वकीलात को भेजता हूँ। यानी उनका दावा है कि हमारे वकीलात पूरे मुल्क में फैले हुए हैं और वो उनके जरिए वो इलाज करते हैं, जबकि शरीय एतबार से गलत है। शरीयत इस बात की इजाजत नहीं देती कि किसी को जिन को अपना खादिम रखा जाए, उससे जायज और नाजायज काम लिए जाए, तो शरीयत के बात से गलत है। लेकिन लोग करते हैं और ये मुमकिन है कि जिन्नात उनके, जिस कदर कोई बंदा अल्लाह की बगावत में आता है शैतान उससे खुश होके उसके ताबे होता है, वो काम करता है। और जिनका हर काम जो है वो मशरूत होता है, कोई काम भी जिनको उसका जो मातहत जिसके वो मातहत है, कोई काम भी जिन उसका करता है तो वो मशरूत होता है। जिन उसे कहता है कि मेरा ये काम करो तो इसके बदले में मैं तुम्हारा ये काम करूँगा, तो जिन जो काम करता है वो अल्लाह की बगावत के काम करता है। शयातीन उसे डिमांड करते हैं कि आप कुरान पाक को नाज़िल फेंको, उसे बेवर्बती करो, मारिशों की बेवर्बती करो। कई जिन्नात की डिमांड होती है, उनकी डिमांड पे वो करता है और फिर जिन उससे खुश होकर उसके वो काम करते हैं।